हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मेरे दुनिया की झलक में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ना सुबह सुबह ये जो आप देख रहे हो ना, मैं अपने ये जो दो ही मेरे पास में बचे हैं ये मनी प्लांट के पौधे, बाकी सारे ख़राब हो चुके हैं, सूख गए। यानी मेरी ही लापरवाही थी, मैंने अपने बालकनी से निकाल के ऊपर टेरेस पर रखा था ताकि थोड़ी जगह हो जाए शादी के टाइम पर। उसके बाद से मैं नीचे लेके ही नहीं आई और वो टेरेस पर सारे ख़राब हो गए, गर्म धूप की वजह से ना सब सूख गए। तो कोई नहीं, अभी जो भी मेरे पास बचे उसी का मैं केयर कर रही हूँ, बॉटल में से पानी चेंज करके फ्रेश पानी फिल कर रही हूँ उसमें। और मैं यहाँ बालकनी में भी आ गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो इनको भी पानी दे देती हूँ सारे गमलों में। और गुड़हल का प्लांट है ना मेरा, पिंक फ्लावर वाला, वो है ना कहीं खो गया था बीच में, पता नहीं, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि कहीं मिल ही नहीं रहा। मैंने ऊपर टेरेस पर रखा था, फिर मुझे पता चला कि नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में रखा हुआ है, फिर मैं उसे उठाकर ऊपर लेकर आई। तो अभी काफ़ी अच्छी कलियाँ आई हुई है, खूब सारे फूल भी देता है ये पौधा, तो ऐसे दिल तो दुखता है ना कि कहाँ चला गया। तो इन सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया, लेकिन तुलसी जी में ना मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, तो नहाने के बाद में तुलसी जी में पानी वगैरह डालूंगी। तो बस सारे पत्तियों को भी मैंने अच्छे से पानी दे दिया है, क्योंकि हम जड़ में तो दे देते हैं नीचे, लेकिन पत्तियों पर भूल जाते हैं। लेकिन पत्तियों को भी एकदम हरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई ना तो सूख जाती है। और यहाँ पे जो स्नेक प्लांट्स रखे हैं ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ढीले हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको शायद धूप की ज़रूरत है। मैंने काफ़ी टाइम से इन्हें धूप में नहीं रखा था, तो बस थोड़ा सा मैंने प्लांट्स को इस तरह से खिसका दिया है बालकनी, सॉरी विंडो की तरफ, तो है ना ये भी अच्छे से धूप खा लेंगे। और मैं अभी नहा के आ गई हूँ, और फिर मेरी यह रोज़ की आदत है, मैं नहा के आने के बाद में सबसे पहले मंदिर में आती हूँ, तुलसी जी को मैंने जल चढ़ा दिया है। और अब मैं आके यहाँ पे ना राधा कृष्ण की पूजा कर रही हूँ, और हम लोग ना ऐसे मिलके कर लेते हैं मंदिर के अंदर, और भी हमारे भगवान है तो उनकी पूजा ये कर लेते हैं, और राधा कृष्ण और बाल कृष्ण की पूजा ना मैं कर लेती हूँ यहाँ बाहर लेके। तो अच्छे से उन्हें स्नान वगैरह करा दिया और वस्त्र वगैरह पहना रही हूँ। तो आज मैं उन्हें येलो कलर का वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि ना मैंने भी येलो कलर की साड़ी पहनी है। तो ऐसे ना मेरे दिमाग में रहता है कि जो कलर की साड़ी मैंने पहनी है ना, वही कलर के वस्त्र मैं अपने ठाकुर जी को भी पहनाऊँगी। वो कहते हैं ना आजकल ज़माना ही ऐसा चल रहा है ना, ट्विनिंग का ज़माना चल रहा है, तो क्यों ना हम हमारे ठाकुर जी के साथ में ट्विनिंग करें। तो बस, तो इसीलिए मैं जो मैं कलर की साड़ी पहनती हूँ वही कलर के मैं उन्हें भी कपड़े पहनाती हूँ। तो आज मैंने येलो पहनी है, तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है ना, राधा कृष्ण का बिल्कुल नज़र नहीं लगे। और ये है मेरे बाल कृष्ण, मेरा कन्हैया, ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इनका भी मैंने श्रृंगार इतना अच्छे से कर दिया, और बंसरी हाथ में दे देती हूँ इनकी, ताकि इनका भी श्रृंगार पूरा हो जाएगा। तो मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए, फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी बिरयानी बना दो, बहुत टाइम से नहीं खाई है। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा बिरयानी बना देती हूँ आज, लेकिन बिरयानी मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने पुदीना पड़ा था, मैंने फटाफट से पुदीना सेक के रखा, निकाला और हाथ में ले लिए दो तेज पत्ते, तीन सूखी लाल मिर्च और एक जो दालचीनी यानी सिनेमन के टुकड़े डाल दिए, उसे भी हल्के से सेक के निकाल दिए भून के। और मैंने ले ली जावित्री, दो स्टार एनिस यानी फूल चक्री, और दो मैंने बड़ी इलायची, और दो तीन चार मैंने छोटी इलायची ले ली है, इसको भी सेक के निकाल दिया है। और फिर मैंने ले ली थोड़ी सी सौंफ, ले ली थोड़ी सी लौंग, और ये जीरा है और ये काली मिर्च है। आप इसमें शाह जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। मेरे पास अभी नॉर्मल जीरा है तो मैं वही ले रही हूँ। तो बस ये भी मैंने थोड़ा सा सेक के निकाल लिया है,
और साथ में मैंने ये जो साबुत धनिया हम लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास में साबुत धनिया नहीं है। एक्चुअली परसों ही मुझे कचौरी का ऑर्डर था, तो मैंने कचौरी बना के दी, तो मैंने ये कुटा हुआ मेरे पास में धनिया है, तो मैंने उसी को सेक के ले लिया है। तो बस ये सब कुछ मैंने सेक लिया है। और अब मेरे पास में ना थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और ये भी मैंने कल ही सेकी थी, तो मैंने ये अभी नहीं सेकी, और मैंने कसूरी मेथी साथ में ऐड कर ली है। तो बस ये सारा मैं अभी एक साथ में ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। अब देखिए इसका कलर थोड़ा है ना, इसे ब्राउनिश आता है, तो मैं एक अच्छा कलर लाने के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसमें, ताकि ना एक रेडीमेड जो बिरयानी मसाला हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, बस वैसा ही बिल्कुल कलर हमें मिलेगा और वैसी ही खुशबू आएगी इसमें। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, बिल्कुल मार्केट जैसा बिरयानी मसाला है। और इसे मैं स्टोर करके रखूँगी, ताकि ये आराम से मैं 5-6 बार बिरयानी बनाऊँ तब तक मेरा ये चलेगा। तो बस अभी मैं बिरयानी देखिए मेरी बनकर रेडी हो गई है। और मैंने बिरयानी की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने एक बिरयानी की रेसिपी शेयर करी है, तो आप लोग को देखना हो तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हो। तो गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है ककड़ी के रायते के साथ में खाने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।